गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक. क्लास सेकेंड मैथ, पेज नंबर 24. एडिंग थ्री टू डिजिट्स नंबर विथ रीग्रुपिंग. एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ 21, 64 and 30. यहां पर आपको, कल मैंने ऐड करना आपको बताया था तो दो डिजिट में बताया था, यहां पर आपको थ्री ग्रुपिंग डिजिट में, थ्री टू, जैसे यहां पर ये टू डिजिट है और ये थ्री ग्रुप है, ठीक है. तो इसको मैंने ऐसे ऐड करना इसमें बताया है. ओके, तो यहां पर आपको एग्जांपल के लिए दिया जा रहा है, फाइंड द सम ऑफ 21, 64 and 13. तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, टेंस वंस का कॉलम बना के उसके बाद फिर टू के वंस के नीचे वन और टेंस के नीचे टू, वंस के नीचे फोर, टेंस के नीचे सिक्स और वंस के नीचे थ्री, टेंस के नीचे वन. इसका मतलब है जो सबसे बड़ा नंबर है वो वंस के नीचे वंस के नंबर लिखेंगे और टेंस के नीचे टेंस वाले नंबर लिखेंगे. ओके, स्टेप वन, ऐड द वंस. सबसे पहले हम वंस को ऐड करेंगे, जो वंस की तरफ से, मतलब राइट साइड जो नंबर्स होते हैं पहले हम वहां से स्टार्ट करेंगे. वन प्लस फोर प्लस थ्री, जैसे यहां पर है बिल्कुल सेम, वन प्लस फोर प्लस थ्री. अब फोर प्लस वन कितना, वन प्लस फोर कितना होता है, फोर में वन को और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फाइव. और फाइव प्लस थ्री, फाइव में अगर थ्री हम ऐड करेंगे तो फाइव है आपके पास, यहां पर आप थ्री लाइन खींच लीजिए, वन टू थ्री. ओके, तो अब इसको फाइव के बाद ऐड काउंट करिए, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट, आंसर आपका आ गया एट. तो यहां पर आप एट लिखेंगे. ओके, स्टेप टू, एड द टेंस. अब स्टेप टू में एड टेंस को जो है वो एड करना है. ओके, टू प्लस सिक्स प्लस वन, यहां पर देखिए जैसे यहां पर दिया गया है, टू प्लस सिक्स प्लस वन तो इक्वल टू नाइन. कैसे, अब यहां पर नाइन आ रहा है, सिक्स के बाद हम टू लाइन खींचे, टू प्लस सिक्स, तो सिक्स यहां पर है, तो जो छोटा नंबर है उसको आप अगर लाइन खींच के करेंगे तो आपको इजी भी होगा. सिक्स के बाद आप टू लाइन खींच लीजिए, सिक्स के बाद क्या आएगा, सेवन एट हो गया, एट प्लस वन कितना होगा, नाइन. ओके, आपका आंसर आ गया यहाँ पे नाइन. ओके, ये आपका दोनों ऐड हो गया और आपका आंसर आ गया 98. यहां पर देखिए, दस 21 प्लस 64 प्लस 13 इज इक्वल टू 98. ओके, विथ रीग्रुपिंग एग्जाम्पल, यहां पर आपको थ्री स्टेप का बताया है मैंने, ये है इसका जो 100 में कैरी, ये कैरी वाला सम है. कल मैंने कैरी वाला सम आपको बताया था, एक दिया था आपको होमवर्क में भी और करके भी दिखाया था कि हम कैरी कैसे लेंगे, ठीक है, कैरी को कैसे ऐड करना है, सेम वैसे ही है आज और उसको अच्छी तरह से बता रही हूँ. देखिए एग्जाम्पल, एड 35 प्लस 54 प्लस 43. ओके, स्टेप वन, एड द वंस. सेम वैसे ही पहले हमको वंस को ऐड करना है. यहां पर वंस में देखिए कौन से नंबर है, पहले 5, 4, 3. यहां पर देखिए 5 प्लस 4, 4 प्लस 3 इक्वल टू 12. अब यहां पर हम कैसे इसको काउंट करेंगे, अब यहां पर 5 है, 5 प्लस 4. अब 5 के बाद आप 4 लाइन खींच लीजिए यहां पे, 1, 2, 3, 4. ओके, अब इसको काउंट करेंगे 5 के बाद, 6, 7, 8, 9. उसके बाद 9 के बाद आप 3 लाइन और खींचिए, 1, 2, 3. 9 के बाद 10, 11, 12. ओके, यहां आपका 12 आया तो यहां पर आप कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि 1 जो है स्टेप 2 कैरी 1, 10 टू द टेंस कॉलम. जो आपका 1 कैरी आया है वो टेंस के कॉलम में आपका कैरी के लिए रख जाएगा. ओके, एंड राइट 2 इन द वंस कॉलम, और 2 को हम वंस के कॉलम में लिख देंगे. ओके, स्टेप 3, एड द टेंस. अब हमको टेंस में जो नंबर्स हैं उनको ऐड करना है. ओके, 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, और इसके साथ जो यहां पर कैरी ये 1 है ये भी इसी में ऐड हो जाएगा. कैसे, देखिए 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 1, हम इसको भी इसी में ऐड कर लेंगे. तो अब हम इसको पूरा ऐड करेंगे, कैसे होगा, 3 प्लस 5 कितना होगा, 5 है आपके पास तो छोटा नंबर है तो उसको आप नंबर लाइन खींच लीजिए, 1, 2, 3. 5 के बाद क्या आता है,
एट, सॉरी फाइव के बाद क्या आता है, सिक्स सेवन एट, ओके एट। अब एट के बाद फोर लाइन और है आपके पास, तो फोर फोर और है, तो फोर के लिए फोर लाइन खींचिए, वन टू थ्री फोर। एट आपका आया था यहां पर, फाइव थ्री प्लस फाइव एट आया था। एट के बाद आप यहां पे काउंट करेंगे, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, यहां आपका ट्वेल्व हो गया, ये पूरा फोर तक, थ्री प्लस फाइव, फाइव प्लस फोर, ट्वेल्व हो गया। ट्वेल्व के बाद आप ट्वेल्व में वन और एक प्लस कर लेंगे, तो कितना होगा आपका, थर्टीन। ओके, तो यहां पर आप कैसे लिखेंगे थर्टीन, हंड्रेड के कॉलम के नीचे वन और टेंस के कॉलम के नीचे थ्री, आंसर आपका आएगा 132। ओके, तो यहां पर देखिए, अब यहां आपका कैरी ओवर हो गया, ये कैरी आपने इसके टेंस में इसको ऐड कर लिया, तो यहां पर आपका कैरी ओवर हो गया, इक्वल टू थर्टीन टेंस, वन हंड्रेड प्लस थ्री टेंस बाय रिग्रुपिंग। यहां पर ये दोनों हो गया रिग्रुप ना, इसमें स्टेप फोर, कैरी 100 टू द हंड्रेड्स कॉलम एंड राइट 3 इन द टेंस कॉलम। सेम वैसे ही 1 जो है आपने 100 के कॉलम में लिखा और 3 जो है वो टेंस के कॉलम में लिखा। ओके, स्टेप 5, एड द हंड्रेड्स 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, कैरी ओवर 100। तो यहां पर जैसे 100 के कॉलम में आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, यहां 0 ही 0 है, तो यहां पर जो ये 1 था ये 100 के कॉलम में आ गया और यहां पर लिखा गया ये, तो ये हो गया 132। ओके, तो यहां पर देखिए 35 प्लस 54 प्लस 43 इक्वल टू 32। ओके, आपको इसी स्टेप के अकॉर्डिंग करना है, प्लस थ्री स्टेप थ्री डिजिट वाला। ओके, मैं इसकी इमेज सेंड कर दूंगी, प्रैक्टिस कोच है वो आपको करना है, ये एग्जांपल्स था इसलिए मैंने करके दिखा दिया है। पेज नंबर 25 है आपका होमवर्क, मैं इमेज इसकी सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।